हर्ट एंड नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या होते हैं? ये कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि जो हर्ट होता है उसकी पंपिंग में मदद करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। एंटायर हर्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। तो स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती हैं जो कि केवल हर्ट में ही पाई जाती हैं। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर दैट ऑफ द एट्रिया। जो वेंट्रिकल की वाल होती है वो थिकर होती हैं एट्रियम से, क्योंकि जो ब्लड जो प्रेशर होता है ज्यादातर जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ज्यादा प्रेशर हर्ट का वो वेंट्रिकल्स ही सहन करती हैं। नोडल टिश्यू क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हर्ट। तो स्पेशल प्रकार की कार्डियक मसल्स होती हैं जो कि पूरे हर्ट के अंदर फैली होती हैं और इसके अंदर अलग अलग भाग होते हैं, जैसे SAN, साइनो एट्रियल नोड, ए पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम जो पोर्शन होता है उसके बिल्कुल अपर कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है ये स्पेशल पैच। पैच का मतलब एक डब्बा होता है, मतलब टिश्यू की गांठ होती है जो कि राइट अपर कॉर्नर में पाई जाती है राइट एट्रियम के, उसको साइनो एट्रियल नोड SA नोड बोलते हैं। उसके बाद एट्रो वेंट्रिकुलर नोड AVN बोलते हैं इसको। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एंट्रो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एक दीवार होती है किस किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसके बिल्कुल कॉर्नर में थोड़ा हाँ राइट एट्रियम साइड में एक पैच पाया जाता है, अदर मास ऑफ टिश्यू पाया जाता है उसको AV नोड बोला जाता है। उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल क्या होता है ये? ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स। बंडल मतलब एक गुच्छा होता है नोडल फाइबर का, कंटिन्यूज फ्रॉम AVN, AVN से शुरू होके पासिज थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या था? जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में रहता है। टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इमिडिएटली डिवाइड इन टू द राइट एंड द लेफ्ट बंडल। तो ये पूरे हर्ट के अंदर फैला होता है, जितने भी सेप्टम है सेप्टम के अंदर ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है वो फैली होती है। प्रकंजी फाइबर क्या होते हैं? मिनट फाइबर्स राइज फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ AV बंडल्स टू थ्रो आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिसेप्टिव साइड्स। जितनी भी जो ये बंडल्स हैं, गुच्छा है ये अलग अलग फाइबर्स का, जो हमने एंट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, तो वहां से कुछ छोटे छोटे धागे जैसी स्ट्रक्चर निकलती हैं अपनी अपनी साइड में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू का जो एक एक टाइप का कॉम्पैक्टनेस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पिक से भी देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं इसके नोडल टिश्यू के? जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली दैट इज इट्स ऑटो एक्साइटेबल। तो मतलब जो भी हर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जाएगी तो वो बिना किसी बाहर की स्टिमुलिटी के, बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं आता, ये खुद ही ऑटो एक्साइटेबल का मतलब खुद ही इनके अंदर स्टिमुलस आता है और खुद ही एक रिदमिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो करवाते हैं हर्ट की। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए माइन्यूट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल टिश्यू। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, जो एक करंट ये सप्लाई करते हैं पूरे हर्ट के अंदर, तो उनकी जो मात्रा है वो, उनके जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं और ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम के ऊपर। अलग अलग नोडल सिस्टम में अलग अलग ये जो स्टिमुलस हैं उनका नंबर वैरी करता है। SAN जिसको पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर मतलब एक लयबद्ध तरीके से काम करवाने वाला, एक पेस में काम करवाने वाला। तो जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो ये बहुत ज़्यादा जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो अराइज कर सकता है वो कितने होते हैं? 70 से 75 पर मिनट, 1 मिनट में इतने एक्शन पोटेंशियल बनाता है और यही हार्ट बीट बनाते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन करता है, सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो इन एक्शन पोटेंशियल से ही, इन करंट से ही तैयार की जाती है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट। एवरेज है जो 72 बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, तो वो इन एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही वो धड़क पाता है। उसके बाद है जो हमने यहाँ पे बात करी थी, ये सबसे पहले एक नोडल टिश्यू SAN नोड बोलते हैं इसको, ये AV नोड है। और उसके बाद AV नोड से अलग अलग सेप्टम के अंदर, जैसे ये सेप्टम है और यहाँ पे भी अलग अलग जो सेप्टम है उनके अंदर क्या किया जाता है, इनको पूरे फाइबर्स को फैलाया जाता है। और जैसे हमने ब्लड का वो सर्कुलेशन तो देखा ही था कैसे ब्लड फिल होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो ये एक्शन पोटेंशियल करंट सा निकलता है इनमें से, और ये करंट क्या करता है पूरे फाइबर्स के जरिए पूरे हर्ट में फैला देता है, उसी के जरिए जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है जो हर्ट की वो हो पाती है।
और इसी की वजह से जो ब्लड है वो पूरे बॉडी के अंदर पंप किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट है जो किस तरीके से पूरे हार्ट के अंदर फैल रहा है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एस ए नोड से हो रही है, उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, ए वी नोड के पास, और ए वी नोड से वो अलग अलग जो प्रकंजी फाइबर्स के जरिए पूरी कार्डियक मसल्स है जो हार्ट की वहाँ पे फैल जाता है, और वहीं से जो करंट है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने में मदद करता है। मेन काम इसका कॉन्ट्रैक्शन का ही होता है, रिलैक्सेशन तो अपने आप ही होता है।